एकोंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच सोचे सोच न हो वही जे सोची लखवार चुप चुप न हो वही जे लाए रहा लगतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सह सियाण पालक हो हे ता इक न चले नाल किव सचियारा होइए किव कूड़े तुटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया गुर पूरे मेरी राख नहीं 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 अमृत नाम हृदय मैं दीनो अमृत नाम जन्म जन्म की मैं गई गुरु पूरे मेरी राख नहीं 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 अमृत नाम हृदय मैं दीनो अमृत नाम जन्म जन्म की मैं गई गुरु पूरे मेरी राख नहीं 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 अमृत नाम हृदय मैं दीनो अमृत नाम हृदय मैं दीनो जन्म जन्म की मैं गई गुरु पूरे मेरी राख नहीं गुरु पूरे मेरी राख नहीं
सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन मारी। सिमर 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 सुख पाया, चरण कमल रख मन मारी। ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाके ऊपर को नारी। ताकि शरण पर्यो नानक दास, जाके ऊपर को नारी। जाके ऊपर को नारी, जाके ऊपर को नारी। गुरपुरे मेरी राख नहीं, गुरपुरे मेरी राख नहीं, गुरपुरे मेरी राख नहीं, गुरपुरे मेरी राख नहीं। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुरे मेरी राख नहीं, गुरपुरे मेरी राख नहीं, गुरपुरे मेरी राख नहीं, गुरपुरे मेरी राख नहीं। प्रभु मेरे का बट परता। गुरपुरे मेरी राख नहीं, गुरपुरे मेरी राख नहीं, गुरपुरे मेरी राख नहीं, गुरपुरे मेरी राख नहीं। अमृत नाम हृदय में दीनो, अमृत नाम हृदय में दीनो। जन्म जन्म की मैल गई, गुरपुरे मेरी राख नहीं, 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 गुरपुरे मेरी राख मेरी राख नहीं, गुरपुरे 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 मेरी राख, गुरपुरे मेरी राख नहीं, 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 गुरपुरे मेरी राख नहीं।
पुर मेरी राख नई, पुर पुर मेरी राख नई, पुर पुर मेरी राख नई, पुर पुर मेरी राख नई। देख देख जीवा गुर के चरण, तोए तोए पीवा गुर का दर्शन। देख देख जीवा गुर के चरण, तोए तोए पीवा गुर का दर्शन। देख देख जीवा गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी राख, गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी राख, गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी राख, गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी राख। गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण, तोए तोए पीवा गुर का दर्शन। Oh,
आस सा गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी राह गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी राह गुर का दर्शन देख देख जीवा गुर के
गुर को सिमरो सास सा गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी राह गुर मेरे प्राण सत गुर मेरी राह गुर को सिमरो सास सा इस गुर को सिमरो सास सा वाह 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 का दर्शन देख देख जीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर के चरण धोए धोए पीवा गुर के चरण अनगिनत बार ना जाने कितनी बार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में चरणों की महिमा आई है। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक धन गुरु नानक। क्योंकि जिसके हृदय में ये गुरु के चरण बस गए एक बार जिसके हृदय में गुरु के चरण बस गए उसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती। प्यार से बोलिया धन गुरु नानक धन गुरु नानक।
उसके फिर सारे कर्म गुरु के चरणों में, उसके सारे दुख गुरु के चरणों में, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और जिसके हृदय में ये गुरु के चरण बस जाए, चाहे उसके आगे राज रख दो, चाहे सारे संसार की दौलत रख दो, वो ठुकरा देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। साथ में गुरु नानक गुरु हर राय साहब जी कीरतपुर साहब में विराजमान है। काबुल से संगत आ रही है, काबुल से पैदल चलकर। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस जमाने में गाड़ियां वगैरह नहीं होती थी, लोग पैदल चलकर प्रभात फेरी की तरह कीर्तन करते हुए संगत चल चलकर कई दिनों कई हफ्तों लगाकर गुरु साहब जी के दर्शनों को पहुंचती थी। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना बात बड़ी कमाल की निकली है, कई दिनों तक कई हफ्तों तक चलकर प्रभात फेरी की तरह कीर्तन करके संगत गुरु के दर्शनों को जाती थी। यहाँ पर कोई 2 किलोमीटर चलने को तैयार नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। रोज बेनती करनी पड़ती है, भाई प्रभात फेरी है चलो, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हम जिनकी बातें करते हैं, जिनकी साखियां सुनते हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है, उन्होंने कुछ करके पाया है। जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत घाल, उन्होंने मशक्कत की है, मेहनत की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। संगत प्रभात फेरी के रूप में कीर्तन करते हुए दर्शनों को आ रही है, आओ हम भी थोड़ा सा उस तरह से गा ले। नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई है। उठ के समा संभालो जी, उठ के समा संभालो जी, आलस ने घेरी पाई है। नानक नाम, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई है। अमृत वेला बड़ा सुहाना, अमृत वेला बड़ा सुहाना, अमृत वेला बड़ा सुहाना, अमृत वेला बड़ा सुहाना। नाम जपे बिन लंग है जाना, जपे बिन लंग है जाना, नाम जपे बिन लंग है जाना, नाम जपे बिन लंग है जाना। उठ के समा संभालो जी, समा संभालो जो आलस ने घेरी पाई है। नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई है, नानक नाम ते आलो जी प्रभात फेरी आई है। संगत कीर्तन करते हुए गुरु हर राय साहब जी के चरणों में पहुंचे, दर्शन किए, कुछ दिन वहां पर रुके, गुरु साहब जी के वचन सुने और बेनती की, पाछा तरस करो काबुल की संगत पर। बहुत सारे बुजुर्ग बहुत सारे बच्चे इतनी दूर चलकर नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप तरस करो, काबुल में आके दर्शन दो। गुरु हर राय साहब जी कहने लगे कि हम अपना एक सिख आपको दे देते हैं, अपने बदले अपना सिख दे देते हैं, वो वहां पर जाकर संगत को साखियां सुनाएगा, कथा कीर्तन करेगा, आपको गुरु के चरणों से जोड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो काबुल की संगत के प्रधान थे उन्होंने बेनती की, पाछा
आपके सिख के दर्शन भी दुर्लभ हैं, कुर्बान हैं, बलिहार हैं आपके सिख के दर्शनों से, पर संगत की इच्छा है आपके दर्शनों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। संगत की इच्छा है आपके दर्शनों की। तो यहां पर गुरु हराय साहब जी ने वचन किए, वचन मान कर जाओ, जब हमारा सिख कथा और कीर्तन करेगा सारी संगत को उस सिख में से हमारे दर्शन होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वचन कर दिए गुरु हराय साहब जी ने, संगत प्रसन्न हो गई कि हमें दर्शन होंगे गुरु हराय साहब जी। अब गुरु साहब जी ने अपने सिख को बुलाया जिसका नाम इतिहास में आया है भाई गोंदा। कहने लगे भाई गोंदा काबुल चला जा, वहां पर संगत को अमृत वेले से जोड़, नाम से जोड़। गोंदा ने हाथ जोड़ लिया, बादशाह आपका हुक्म सर माथे पर, संगत को तो मुझ में से दर्शन हो जाएंगे, मुझे आपके दर्शन कैसे होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मैं आपके दर्शनों के बिना नहीं रह सकता। शब्द पढ़ रहे हैं, गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। इस गुरु को सिमरो सास सास, इस गुरु को सिमरो सास सास। गुरु मेरे प्राण सत गुरु मेरी राह, गुरु मेरे प्राण सत गुरु मेरी राह। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। गुरु का दर्शन देख देख जीवा, गुरु के चरण तोए तोए पीवा। बेनती की पाछा मुझे कि आपके दर्शन कैसे होंगे। गुरु हरराय साहब जी ने वचन किए, अमृत वेले स्नान करके अपने सामने एक आसन बना लेना। ध्यान देना साथ संगत जी, बड़ी प्यारी जुगती बताई गुरु साहब जी ने। ये जुगती बाबा नंद सिंह जी महाराज भी बताया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि अमृत वेले स्नान करके अपने सामने एक आसन बिछा लेना, भाव एक अच्छा सा आसन जहां पे किसी बड़े को बिठाते हैं, सुंदर आसन, सामने खुद बैठ जाना। जब तू सिमरन करेगा, नितनेम करेगा, तुझे हम प्रत्यक्ष वहां बैठे हुए दिखाई देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक। भाई गोंदा प्रसन्न हो गया, वचन लेकर चला गया। वहां पर अमृत वेले संगत को जोड़ रहा है काबुल, संगत जुड़ रही है। कई दिन बीत गए, कई हफ्ते बीत गए, संग्रांत का दिन आ गया। इतिहास में लिखा है कि आज जब अमृत वेले उठा, स्नान किया, ध्यान लगाया आसन में, गुरु हरराय साहब जी के चरण पकड़कर बैठ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और भूल ही गया कि संगत उड़ीक कर रही है, दीवान में जाना है, संगत बैठी है, ये जाएगा तो कीर्तन करेगा, भूल ही गया। जुड़ गया चरणों से, चरणों को पकड़ लिया सुरती से, और वहां पर कीरतपुर साहब में अमृत वेला हो गया, कीर्तन हो गया, भोग पड़ गया, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, गुरु हरराय साहब जी समाधि में लीन हैं, उठ नहीं रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सिखों ने बेनती की पाछा, संगत भूखी है सुबह से, दोपहर हो गई है, भूखी है संगत, जब तक आप भोग नहीं लगाओगे वो कैसे खाना खाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु हराय साहब जी ने वचन किए, क्या करें, भाई गोंदा चरण छोड़ ही नहीं रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहां भाई गोंदा, काबुल में बैठा है, कहां गुरु हराय साहब जी, कीरतपुर साहब में बैठे हैं, पंजाब में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
सुरते में इतनी शक्ति होती है साध संगत जी, इतनी शक्ति है। बस किसी को मन एकाग्रचित करना आ जाए, बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, जो लोग मेडिटेशन करते हैं अगर साथ में सिमरन को शामिल कर लें वो बहुत जल्दी प्राप्ति कर सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेडिटेशन मन एकाग्रचित करना सिखाता है, ब्लैंक होना सिखाता है माइंड को। उस ब्लैंक माइंड को अगर सिमरन से भर दिया जाए, गुरु के चरणों से भर दिया जाए, तो फिर ऐसे ध्यान लगता है, ऐसी कृपा होती है जो बयान नहीं की जा सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सुरती की ऐसी शक्ति प्रतक प्रमाण है कई। मैं एक पर्सनली अमृतसर में एक माता से मिला हूं, लंदन से कोई आते हैं, इतनी ऊंची अवस्था है उनके साथ संगत जी, मुझे किसी ने मिलाया था उनसे। हरमंदिर साहब में कई सालों बाद आने को मिलते हैं, पर वहां बैठे हुए लंदन में वो सुरती से आते हैं यहां पर। कैसे मुझे बता रहे थे कि सुरती से मैं अंदर आती हूँ, चरणों को धोती हूँ, पैरों को धोती हूँ, नीचे उतरती हूँ, माथा टेकती हूँ। सुरती से चलकर बाबा दीप सिंह जी का जहाँ पर स्वरूप लगा हुआ है, जहाँ पर गुरु बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर भेंट किया था, वहाँ पर माथा टेकती हूँ, चल कर जाती हूँ, दुपहनी बेर से अमृत लेती हूँ, पूरी परिक्रमा करती हूँ, एक एक जगह पर अंदर जाकर सुरती से दर्शन करती हूँ, प्रसाद लेती हूँ। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे ये सुरती का आनंद आ गया ना साथ संगत जी, और इसमें इतना आनंद है कि यहाँ बैठ के भी वो आनंद कई बार नहीं आएगा अगर आपकी तबीयत खराब है। समझो आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, डॉक्टर ने मना कर दिया आप अमृत वेले नहीं जा सकते, आप घर में उठो अमृत वेले, हॉस्पिटल में हो वहां सुरती से बैठ जाओ और यहाँ पर पहुंच जाओ, जो रस उस दिन आएगा वो कभी नहीं आया होगा। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि यहाँ पर गुरु के दर पे मन की हाजिरी कबूल होती है, तन की नहीं। कई लोग यहाँ बैठे हुए भी गैर हाजिर होंगे, कई लोग यहाँ पर ना पहुंच कर भी उनकी हाजिरी लग रही होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा था ना, हाजिर गैर हाजिर, गैर हाजिर हाजिर। पहरेदार खड़े थे बाहर, नीचे लगा हुआ था गतकों का मेला, पहरेदारों का मन था कि हम वहां पर जाके वो मेला देखें। कुछ पहरेदार चले गए, कुछ पहरेदार नहीं गए। जो चले गए देखने मेला, वो डर रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए पीछे से तो हम पकड़े जाएंगे। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उनके मन में डर है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को पता चल गया, वो आ गए देखते हुए, हम पहरे पर नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। खड़े वहां पर हैं, मन कहां पर है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में। घर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और जो यहां खड़े हैं पहरे पर, वो अपने मन में सोच रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तो आए नहीं, इससे अच्छा होता हम वहां चले जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब सुबह हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने पहरेदारों को अपने पास बुला लिया और कहा, गैर हाजिर हाजिर, हाजिर गैर हाजिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो तो मेला देखने चले गए थे उनकी हाजिरी लग गई कि वो पहरे पर थे, पर जो पहरे पर थे वो गैर हाजिर हो गए क्योंकि उनका मन मेले में था। घर से बोलिए धन गुरु नानक। इस दर पे मन की हाजिरी कबूल होती है, मन की। इसलिए तो बार बार कहा जाता है मन को एकाग्रचित करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हर राय साहब जी कह रहे हैं, भाई गोंदा चरण नहीं छोड़ रहा। तो सिखों ने बेनती की, पाछा ज्ञानवान सिख थे, समझ गए, कहने के पाछा जो मांगता है दे दो उसे, जो मांगता है दे दो, चरण छोड़ देगा, संगत को भोजन भी तो कराना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु हर राय साहब जी ने उसे यहाँ बैठे हुए वहां कहा कि भाई गोंदा जो चाहिए मांग ले, पर चरण छोड़ दे, जो चाहिए मांग ले। और भाई गोंदा क्या कहते हैं, सर्वंत राज न चाह मुक्त न चाह, राज न चाह मुक्त न चाह, मन प्रीत
चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे मन प्रीत चरण कमलारे गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण तोए तोए जीवा गुरु का दर्शन देख देख जीवा गुरु के चरण तोए तोए जीवा क्या कहता है भाई गोंदा राज ना चाहूं मुझे राज नहीं चाहिए मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए मुझे बस आपके चरण चाहिए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये अवस्था जिसके हृदय में चरण बस गए उसे और कुछ भी नहीं चाहिए एक ऐतिहासिक घटना है पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज के समय की सिख शायद उसका नाम भाई गोपाला मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा भाई गोपाला उस समय एक ऋषि मुनि तप कर रहा है कई सालों से शिव जी भगवान प्रसन्न हो गए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक सच्ची घटना प्रसन्न हो गए कहने लगे मांग क्या मांगता है देखिए ऋषि ने मांगा क्या कि जो कोई भी मेरा दर्शन करे उसे एक साल का स्वर्ग मिले चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक क्या मांगा कि जो कोई मेरा दर्शन करे उसे एक साल का स्वर्ग मिले चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो और अगर मैं चाहूं खुद तो किसी को 100 साल के लिए भी स्वर्ग में भेज दो प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक शिव जी भगवान तथास्तु कह के अलोप हो गए ये बात चारों तरफ फैल गई लोगों की भीड़ लग गई इसके दर्शन करने के लिए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक जहां जाता है लोगों की भीड़ लग जाती है कि दर्शन करेंगे केवल देखेंगे एक साल का स्वर्ग तो मिल जाएगा प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ये है क्या अहंकार की पूर्ति भक्ति करके क्या मांगा कि लोगों की लाइन लग जाए मेरे सामने प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक और यहां पर गुरु के सिख की अवस्था देखो एक गांव में पहुंचे जहां पर रहता है भाई गोपाल वहां पर सारे गांव की भीड़ लग गई ऋषि मुनि के दर्शनों के लिए जब ये अगले गांव जाने लगा इसने पूछा कोई रह तो नहीं गया जिसने मेरे दर्शन नहीं किए किसी ने कहा एक सिख है वो आपके दर्शनों के लिए नहीं आया प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक ऋषि कहने लगा उसे जाके कहो कि आके दर्शन कर ले मैं उसे 2 साल का स्वर्ग देता हूँ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक कुछ लोग गए उन्होंने भाई गोपाला का दरवाजा खटखटाया भाई गोपाला ने हाथ जोड़ दिया भाई मुझे माफ करो मुझे नहीं करने उसके दर्शन प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक जब जाकर उस ऋषि को ये बात बताई उसने कहा उसे कहो मेरे दर्शन कर ले मैं 50 साल का स्वर्ग देता हूँ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक भाई गोपाला फिर नहीं आया ऋषि खुद चला गया उसके द्वार पर दरवाजा खटखटा रहा है खोल दर्शन कर ले मैं तुझे 100 साल का स्वर्ग देता हूँ अंदर से आवाज क्या आती है चला जा कई गलती से तू मुझे दिख गया मुझे स्वर्गों में जाना पड़ जाएगा घर से बोलिए धन गुरु नानक ऋषि हैरान हुआ तू स्वर्ग में नहीं जाना चाहता कहने लगा नहीं राज ना चाहो मुकत ना चाहो घर से बोलिए धन गुरु नानक स्वर्गों में मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरण कहाँ मिलेंगे मुझे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक मुझे चरण कहाँ मिलेंगे जो रस गुरु के चरणों में है वो स्वर्गों में कहाँ प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हैरान हुआ ऋषि ये घटना बहुत लंबी है साखी बहुत लंबी है फिर कभी दास पूरी सुनाएगा पर इस वक्त बात चल रही है चरणों की जिसे चरणों का रस आ गया जिसे चरणों की कीमत का पता चल गया जिसके हृदय में गुरु के चरण बस गए वो राज को भी वो स्वर्गों को भी मुक्ति को भी लात मार देता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक दुनी चंद गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख
राजा भीमचंद ने कह दिया पहाड़ में जाकर इसकी आंखों में सलाखें डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि राजा भीमचंद ने भेजा था दुनी चंद को, जा पता करके आ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बारे में कि वो कैसे भेद लेने के लिए भेजा। पर जब वहां गया वो तो अपने आप को बेचकर आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। आकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सिफत ही कर रहा है, उस्तत ही करते जा रहा है। राजा भीमचंद नाराज हो गया, सैनिकों से कहा इसे पहाड़ पर ले जाओ। जिन आंखों से इसने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए हैं उन आंखों में गर्म सलाखे डाल दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहाड़ पर ले गए उसे दुनी चंद को, सलाखे गर्म करके जैसे उसकी आंखों में डालने लगे उसने ध्यान गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों का कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सैनिक गरम सलाखे आंखों में डालकर चले गए। ये बेहोश हो गया, बेसुरत हो गया, उठा सलाखे ढूंढ रहा है, सलाखे नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आंखें खोली सब दिखाई दे रहा है, आंखें ठीक है, हैरान हुआ, दौड़ पड़ा आनंदपुर साहिब की तरफ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वहां पर पहुंचा क्या देखता है गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में पट्टी बंधी हुई है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चरण पकड़ के रोने लग गया, पाछा आपके चरण मैंने दर्शन किए थे एकदम ठीक थे, ये क्या हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं करे भी खुद पूछे भी खुद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब सैनिक तेरी आंखों में गर्म सलाखे डाल रहे थे तूने कहां ध्यान दे रहा था। दुनी चंद कहने लगा पाछा आपके चरणों में। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे बस वो सलाखे हमारे पैरों में हमारे चरणों में घुस गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो सलाखे वहां पड़ी थी वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने दिखाई, सारी संगत हैरान, क्योंकि सारी संगत बैठी थी जब सलाखे उसकी आंखों में डाले गई, खून के फुहारे गुरु साहब जी के चरणों से निकल पड़े थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसके हृदय में गुरु के चरण बस गए, इन चरणों की बड़ी महिमा है साध संगत जी, ये प्रकरण ही बहुत बड़ा है। बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन, अगर ध्यान धरना हो तो गुरु के चरणों का धरना चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये चरण हमारे पाप चर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब भी कभी सिमरन में बैठो ध्यान गुरु नानक पाशा के चरणों में लगाकर सिमरन करो, मन बहुत जल्दी एकाग्रचित हो जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पाशा के चरणों को तुलसा ने चाट लिया था ना, घर में जो नौकरानी थी उठाने गई थी माता के कहने पर, आराम करते देखा उठाने की हिम्मत नहीं हुई, अपनी रसना से उनके चरणों को चाट लिया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या दिखती है गुरु नानक पाशा सो नहीं रहे, वो तो अपने सिख मनसुख का जहाज जो समुद्र में डूब रहा था उसे तार रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु के चरण तोहे तोहे पीवा, गुरु के चरणों की महिमा कहीं नहीं जा सकती। गुरु मेहर करे, गुरु मेहर करे, ये चरण हमारे हृदय में भी बस जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ दो मिनट ये बेनती भी कर ले, दाता बाबा आनंद सिंह जी महाराज ने वचन किया कर लिया था कि कोई मुक्ति मांगता है, कोई कहता है जन्म मरण कट जाए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। बाबा आनंद सिंह जी कहते हैं मैं तो गुरु नानक के चरणों में एक ही अरदास करता हूं, चाहे मुक्ति दे चाहे नर्क दे, चाहे किसी जानवर की जोनी दे चाहे पक्षी की जोनी दे, पर एक काम करना गुरु। क्या? दाता रख चरना देखो चरना दी मौज बड़ी, दाता रख चरना देखो चरना दी मौज बड़ी, दाता रख चरना देखो चरना दी मौज बड़ी, चरना दी मौज
चरणा दी मौज बड़ी, चरणा दी मौज बड़ी, चरणा दी मौज बड़ी, दाता रख चरणा दे को चरणा दी मौज बड़ी, दाता रख चरणा दे को चरणा दी मौज बड़ी, दाता रख चरणा दे को चरणा दी मौज बड़ी। गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, इस गुर को सिमरो सास सास, गुर को सिमरो सास सास, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह, गुर मेरे प्राण सतगुर मेरी राह, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, गुर का दर्शन देख देख जीवा, गुर के चरण देख देख दीवा, गुर के दर्शन दे जीवा, देख देख दीवा, गुर के चरण चरण देख देख दीवा, गुर के चरण तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा, तोए तोए पीवा। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई, अमरी करो हाथ दे रचा, पूर्ण होए चित के इच्छा, तब चरणन मन रहे हमार, अपना जान करो व्रत पारा, हमरे दुष्ट सब है तुम कहो, आप हाथ दे मोए बचाओ, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सब है करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, और भजन के रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ, जो पर चाहो सो तुम ते पाओ, सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है, आप हाथ दे मुझे उभरी है, मर्ण काल का त्रास नुवरी है, हो जो सदा हमारे पच्छा, सिर्यस तुझ जो करियो रचा, राख ले मुझे राखन हारे, साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, हो पुरी ततर दस पंता, काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जो अवतरा, काल पाए कर विष्ण प्रगासा, सकल काल का किया तमासा, जवन काल जो की शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो, जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा, जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो, आद अंत के अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा, नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारे, सेवकन को शिव गुण सुख दियो, सतरन को पल मोहबत कियो, कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंजर अस्तोला, सब पर कृपा दृष्टि कर भूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान है, कट कट के पट पट की जान, जब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तर्क तब दे अपारा, जब अकर्क करतो कबो, मैं मिलत
कर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप अपने मोजे उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ तांका मूढ़ उचार तुभेदा को पेव न पाप तुभेदा तांको कृपान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्हत न पेव आप अपनी बुद्ध है जेती तो पिन पिन तो तुमरा लखा न जाए पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयो राव कई कोपा अंडज जेरज से तज कीनी कुछ खान बहो रच देने कहूं कुल राजा हव बैठा समट प्यो संक्रिय फैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अंभव अब रक्षा मेरी तुम करो दुष्ट जिते उठवते उत पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी परे के दुष्ट दुख तो हव मरे उर्क जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला कृपा दृष्टन जाए निहरो आके ताप तनक मोहर और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा छे सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम ते हारो कहा दुष्ट लोग ते खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट लोग ते ले बचाई खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मो सहाई दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा नंद क्योंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु का पाया सै जिसे ते मन दिया बधाईया राग रे तन परवार परियां शब्द गावने आईया सतगुरु बहु हरि के मन ने बसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया हर नाल रतु मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार कर तेरा कार्य सब सवारना सब नांगल स्मरत स्वामी सुख मनो विसारे नानक मन मेरे सदा रोहनाले साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं कर तेरे सच नाम मेरा आधारो सच नाम आधार में आज पुकार सब आईया कर शांत सुख मने आयु से अज निचा सब पुजाईया सदा गुरु बालक का गुरु बेटो जिस दिया ए बढ़ाईया कहे नानक सुनो संतो सब तरो पे आरो सच नाम मेरा आधारो वजे पंच शब्द कर सभा के कर सभा के सब दवाजे कल्ला जिन पंच दो तुद वस कीते काल कंड कुमारिया करम पाया तुद को से नाम हर के लागे कहे नानक तैस को अत करन दवाजे अकंत सुनो वट पागे सगल मनोर कबूरे पार ब्रह्म प्रपाया त्रि सगले वसूरे रोग संताप तरे सुने सच्चे बाणे संत सजन पैसर से पूरे गुर के जान सुनते मुने कहते पवित्र सतगुरु रहा पर पूरे अनंत नानक गोरे चरण लागे चरण लागे गोरे चरण लागे वाजे अनहद तूरे जी आनंद सुनो वड पागियो सलोक पम गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोधा हिदाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर
ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੋ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਕਿਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਅਬ ਹਮ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੇਂਗੇ। No.
जय गुरु जी की। वाहिगुरु जी एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभाउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी साहिबां गुरप्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख वार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणप लख हो हे ता एक न चलै नाल केव सचियारा होई है केव कूड़ा तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाई है इकना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाई है हुक्मै अंदर सब को बार हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता होमै कह न कोए गावै को तान होवै किसै तान गावै को दात जाने नीसान गावै को गुण वडियाई आचार गावै को विद्या विखम विचार गावै को साज करे तन खेहे गावै को जीअ लै फिर देहे गावै को जापै दिसै दूर गावै को वेखै हादरा हदूर कथरा कथी न आवै तोट काथे काथ कथी कोटी कोट कोट देदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राह नानक विकसै वे प्रवाह साचा साहिब साच नाहे भाख्या पाव अपार आखै मंगै देह दे दात करे दातार फेर के अगै रखी है जित दुसै दरबार मुहाओ के बोलन बोली है जित सुन तरे प्यार अमृत वेला सच ना ओढ़ियाई विचार करमी आवै कपड़ा नदरी मोख द्वार नानक एवै जानिया सब आपे सचियार तापिया ना जाए कीता ना होए आपे आप निरंजन सोए जिन सेव्या तिन पाया मान नानक गाविया गुणी निदान गाविया सुनिया मन रखिया पाओ दुख पर हर सुख कर लै जाए गुरमुख नारंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रहया समाई गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई जे हों जाना आखा नाही कहना कथनो न जाई गुरा एक देह बुझाई सब ना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई तीर्थ नावा जे तिस भावा विण भाणे के नहाए करी जेती सेठो पाई वेखा विण करमा के मिलै लई मत विच रतन जवाहर माणिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए नवा खंडा विच जानिया नाल चलै सब कोए चंगा नाव रखाए कै जस कीर्त जगले जे तिस नदर न आवई ता बात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोसी दोस तरे नानक निर्गुणे गुण करे गुणवंतिया गुण दे तिहा कोई न सुझई जे तिस गुण कोए करे सुनया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनया धरत तवल आकाश सुनया दीप लो पाताल सुनया पोहे न सुखै काल नानक भगता सदा विगास हो सुनया दुख पाप का नास हो सुनया ईश्वर वर्मा इंदो सुनया मुखसा लहन मन दो सुनया जोग जुगत तन भेद सुनया शास्त्र सिमरत वेद नानक भगता सदा विगास हो सुनया दुख पाप का नास हो सुनया सत संतोख ज्ञान सुनया अठ सठ का स्नान सुनया पढ़ पढ़ पावै मान सुनया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनया दुख पाप का नास सुनया सरा गुणा के गाह सुनया सेख पीत पातशाह सुनया अंधे पावै राह सुनया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास हो सुनया दुख पाप का नास मने की गत कही न जाए जे को कह पिछे पछताए कागद कलम लिखण हार मने का बह कर विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध है मन्नै सगल भुण की सुध है मन्नै मोह चोटा न खाए मन्नै जम कै साथ न जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाना मन कोए मन्नै मार्ग ठाक न पाए मन्नै पत्स्यों पर गुड़ जाए मन्नै मग न चलै पंथ मन्नै धर्म से ती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाना मन कोए मन्नै पावै मोख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारे गुरसिख मन्नै नानक पवै न भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाना मन कोए पंच प्रमाण पंच प्रधान पंचे पावै दरगह मान पंचे सोहै दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कह करै विचार करते कह करना नाही सुमार त
ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਿਆ ਕਾ ਪੂਤ ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝਾ ਹੋਵੇ ਸਚਿਆਰ ਧਵਲੈ ਉੱਪਰ ਖੇਤਾ ਭਾਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ ਜੀ ਜਾਤ ਨੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੁਰੀ ਕਲਾਮ ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣਾ ਕੋਇ ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕੀਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ ਕੇਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣਾ ਕੌਣ ਕੂਤ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰੀਆਓ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪਤਾਓ ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਸੰਖ ਦਾਤਾਰ ਅਸੰਖ ਸੂਰਮੋਹ ਭਗਸਾਰ ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਅਲੇ ਵਿਲਾਇਤਾਰ ਕੁਦਰਤ ਕਮਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਅੰਧ ਘੋਰ ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੇਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਯੋਗ ਵਖਾਣ ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ ਹੇ ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਉਹ ਧੋਏ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕਹਿ ਰੰਗ ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹ ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਵੋ ਜਾਹੋ ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨ ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਪਾਉ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ ਸਵਸਥ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਉ ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਉ ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਆ ਆਕਾਰ ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਕੁਰਾਣ ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਯੋਗੀ ਜਾਣੈ ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਾਉ ਜਾਣੈ ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਹੈ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਇਆ ਆਗਾਸ ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ ਵੇਦ ਕਹਿਣ ਇੱਕ ਵਾਤ ਸਹਸ ਅਠਾਰਹ ਕਹਿਣ ਕਿਤੇਬਾ ਅਸਲੂ ਇੱਕ ਧਾਤ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਹੀ ਆਖੀਐ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਪਾਈਆ ਨਦੀਆਂ ਤੈ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈ ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨਾ ਹੋਵਨੀ ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੇਣ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨਾ ਅੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੰਤ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਹੇ ਇਹੋ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ ਏਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ ਜੇਵੜ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ ਕੇਤਿਆ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁੱਕਰ ਪਾਹੇ ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੁਖ ਸਦਮਾਰ ਇਹ ਪੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ ਹੋਰ ਆਖ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਏ ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹ ਖਾਏ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇਹ ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇ ਕੇ ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਹ ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲ ਅਸਮਾਹੇ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਮਾਣ ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਣ ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਣ ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਣ ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਣ ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਬਿੰਦ ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ
ਆਖਹਿ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖਹਿ ਦਾਨਵ ਆਖਹਿ ਦੇਵ, ਆਖਹਿ ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖਹਿ ਆਖਣ ਪਾਹਿ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹਿ, ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹਿ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇਹੇ, ਜੇਵੜ ਪਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸੱਚਾ ਸੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ ਸਿਰ ਗਾ ਵਾਰਾ ਗਾ ਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੁ ਕਿਹਾ ਸੋ ਘਰੁ ਕਿਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦਨ ਏਕ ਅਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਵਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਭਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿੱਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸ਼ਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜ੍ਹਨ ਰਖੀਸਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨ ਸੁਰਗਾ ਮਛ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ ਅੜਸੜ ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਾਂ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਦਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋਤ ਪਾਵਨ ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿੱਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ ਹੈ, ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਇ ਨਾ ਜਾਸੀ ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤ ਸਾਹੋ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮ ਪਦ ਝੋਲੀ ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾਕੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਏ ਕਾਰ ਚਲਾਵ ਹੈ ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵਤ ਸੁਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਣ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਭਾਉ ਲੱਖ ਹੋਹੇ ਲੱਖ ਹੋਵੈ ਲੱਖ ਵੀਸ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆ ਈਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਕਾੜਤ ਕੜੀਐ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂਪ ਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ, ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਟ ਆਨੰਦ, ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ, ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ, ਤਾਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੈ ਪਛਤਾਏ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਦਾ ਕੀ ਸੁਧ, ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਂਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮੈਂ ਮਮਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰਹਿ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ, ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ,
ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਅਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਪਾਓ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਓ ਭਾਂਡਾ ਪਾਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤਾਲ ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਕਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਬੁਰੇ ਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਹੈ ਬਾਹਰ ਸੇ ਆਏ ਹੈ ਹੋਸਪਿਟਲ ਸੇ ਉਹਨੇ ਯੇ ਪੇਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦੀਏ ਜਾਏ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਬਾਤ ਯਹਾਂ ਪਰ ਦਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਬਦੋ ਕਾ ਜਾਪ ਦਾਸ ਕਰਾਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਆਪ ਮੇ ਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤੋ ਵੀ ਇਹ ਵਹੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬੋਲਣੇ ਸੇ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿਣੇ ਕਾ ਭਾਵ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਹਮਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕਈ ਲੋਕ ਆਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੀ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਹਮ ਆਏਗੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਹ ਆਪਕੀ ਭਾਵਨਾ ਸੇ ਹੋਗੀ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਭਾਵਨਾ ਤੈਸਾ ਤੈਸਾ ਫਲ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਹਮੇ ਸੁਣਨੇ ਕੀ ਮਨ ਜੋੜ ਕਰ ਜਪਣੇ ਕੀ ਸੁਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਆਓ ਅਬ ਮਨ ਬਿਰਤਿਆ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਪੀਠ ਸਿੱਧੀ ਕਰ ਲੀਜੀਏ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਸੇਵਾਦਾਰੋ ਸੇ ਬੇਨਤੀ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਸ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਿਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਹਮਾਰਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਚਰਨੋਂ ਸੇ ਜੋੜ ਲੇ। ਮੇਰੇ ਦੇਹ ਮੇ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਇਸਕੀ ਦੇਹ ਮੇ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਹਮ ਸਭ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋ ਛੋਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਿਹਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਤਨੀ ਸੰਗਤ ਰਾਤ ਕੋ ਜੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਮੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਹਿਲੇ 13 ਵਾਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਾ ਜਾਪ ਫਿਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਇਨ ਸ਼ਬਦੋ ਕਾ ਜਾਪ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈ ਪਹੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ
नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभउ गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसि भी सच। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे। बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे। गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे। तीने ताप तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता दुख हंता सुख रास सुख रास। तीने ताप निवारण हारा निवारण हारा दुख हंता दुख हंता सुख रास सुख रास। ताको विघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। ताको विघन ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास आगे अरदास। तीने ताप निवारण हारा
दुखहंता सुखरास ताको विघन नाको लगे जाके प्रभु आगे अरदास ताको विघन नाको लागे विघन नाको लागे जाके प्रभु आगे अरदास। मलार महला चौथा। मलार महला चौथा। हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल हे गोविंद हे गोविंद हे गोपाल हे गोपाल हे दयाल लाल हे दयाल लाल प्राणनाथ प्राणनाथ अनाथ सखे अनाथ सखे दीन दर्द निवार 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 हे समरथ अगम पूरन मोह माया धार मोह माया धार मोह माया धार मोह माया धार अंधकूप अंधकूप महापयान महापयान नानक पार उतार 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 वाणी गुरु गुरु है वाणी गुरु है वाणी विच वाणी विच वाणी अमृत सारे अमृत सारे विच वाणी विच वाणी अमृत सारे अमृत सारे गुर वाणी कहे गुर वाणी कहे सेवक जन माने प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे प्रतख गुरु निस्तारे कोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं कोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट पसमंग करोत नानक जैसे पावक काष्ट पसमंग करोत घोर दुख्यं अनिक हत्यं जन्म दारिद्रं महाविख्यातं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ट भस्मं करोत पौड़ी पौड़ी लल्ला लावो लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु तह मिटह खिनाहु दुख दर्द तह मिटह खिनाहु तह मिटह खिनाहु नाम औखद जह हृदय हितावे ताहे रोग सुपने नहीं आवे सुपन
अपने नहीं आवे। हर औखद सब घट है भाई, सब घट है भाई। गुर पूरे बिन विद ना बनाई। गुर पूरे संजम कर दिया। नानक तो फिर दुख ना थिया। नानक तो फिर दुख ना थिया। नानक तो फिर दुख ना थिया। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे सलोक दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ भैरो महल्ला चौथा उठत सुखिया बैठत सुखिया भाव नहीं लागे जा ऐसे बुझिया राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी रहाओ। सोए अचिंता जाग अचिंता जहां कहां प्रभ तू वर्तन्ता घर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया घर सुख वसिया बाहर सुख पाया कहो नानक गुर मंत्र दृढ़ाया बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे एक आस हर मन रखो एक आस राखो मन माहे
एक आस राखो मन माहे एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे एक आस राखो मन माहे सोरठ महल्ला पंजवां गए कलेश रोग सब नासे प्रभ अपने कृपाधारी आठ पहर आराधो स्वामी पूरन घाल हमारी हर जियो तू सुख संपत रास हर जियो तू सुख संपत रास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आ गए अरदास राख लेहो भाई मेरे को प्रभ आ गए अरदास जो मांगो सोई सोई पावो अपने खसम भरोसा अपने खसम भरोसा कहो नानक गुर पूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेसा मिटियो सगल अंदेसा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे विच बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जन माने पर तख गुरु निस्तारे पर तख गुरु निस्तारे अनेक उपावी रोग ना जाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद लाए अनेक उपावी रोग ना जाए रोग ना जाए रोग मिटे हर औखद लाए रोग मिटे हर औखद ला राग बिलावल महला पंजवां दुपदे कर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया अवर उपाव सब त्यागिया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पहया
शीतल मन भया गुरपुरा गुरपुरा आराध्या आराध्या सगला दुख गया सगला दुख गया राखन हारे राखिया राखन हारे राखिया अपनी कर्मया अपनी कर्मया गुरपुरा आराध्या गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया सगला दुख गया राखन हारे राखिया राखन हारे राखिया अपनी कर्मया अपनी कर्मया बाहां पकड़ बाहां पकड़ प्रभ काट्या प्रभ काट्या कीना अपनया कीना अपनया सिमर 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 मन तन सुखी मन तन सुखी सिमर 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 मन तन सुखी मन तन सुखी नानक निर्भया नानक निर्भया नानक निर्भया नानक निर्भया बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी विच बाणी अमृत सारे अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे गुरपुरे गुरपुरे कृपा करी कृपा करी काट्या दुख रोग काट्या दुख रोग गुरपुरे गुरपुरे कृपा करी कृपा करी काट्या दुख रोग काट्या दुख रोग मन तन शीतल मन तन शीतल सुखी भया सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग प्रभ ध्यावन जोग मन तन शीतल मन तन शीतल सुखी भया सुखी भया प्रभ ध्यावन जोग प्रभ ध्यावन जोग गुरपुरे कृपा काटया दुख रो मन तन मन तन शीतल मन तन शीतल ध्यावन जो बिलावल महला पंजवा बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया रोग मिटाया आप प्रभ आप प्रभ रोग मिटाया आप प्रभ उपजा सुख शांत उपजा सुख शांत वड प्रताप वड प्रताप अचरज रूप अचरज रूप हर किन्ही दात हर किन्ही दात गुरु गोविंद गुरु गोविंद कृपा करी कृपा करी राख्या मेरा भाई राख्या मेरा भाई राख्या मेरा भाई राख्या मेरा भाई हम तिसकी शरणागति शरणागति जो सदा सहाई जो सदा सहाई हम तिसकी शरणागति शरणागति जो सदा सहाई जो सदा सहाई रहाओ रहाओ बिरथी कदे ना होवई बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास जन की अरदास जन की अरदास बिरथी कदे ना होवई बिरथी कदे ना होवई जन की अरदास नानक जोर गोविंद का पूरन गुणतास पूरन गुणतास पूरन गुणतास पूरन गुणतास बाणी गुरु बाणी गुरु गुरु है बाणी गुरु है बाणी विच बाणी बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे गुरबाणी कहे सेवक जन माने परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे परतख गुरु निस्तारे सोरठ महला पंजवा सिमर 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 गुर सतगुर अपना गुर सतगुर अपना सगला दुख मिटाया सगला दुख मिटाया
ਮਿਟਾਇਆ ਸਿਮਰ 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 ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਤਾਪ ਰੋਗ ਤਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇੱਛੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਤਾਪ ਰੋਗ ਤਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇੱਛੇ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣਾ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਸਗਲਾ ਦੁੱਖ ਮਿਟਾਇਆ ਤਾਪ ਰੋਗ ਗਏ ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮਿੱਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਮਨ ਇੱਛੇ ਫਲ ਪਾਇਆ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 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 ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਸਗਲੇ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ ਸਰਣੀ ਉਭਰੇ ਸਰਣੀ ਉਭਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਗਲ ਸਵਾਰੇ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਹਰ ਜਨ ਸਿਮਰਿਆ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਤਾਪ ਉਤਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਰਹਾਉ ਰਹਾਉ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰ ਰਾਖਿਆ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਚ ਭਾਖਿਆ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਾਚ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਸਤ ਭਾਖਿਆ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 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 ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਇਨ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕਾ ਜਾਪ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਆ ਕਰੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਬ ਯੇ ਸੀ ਡੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੋ ਇਨ ਸ਼ਬਦੋਂ ਕੋ ਸੋਤੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਲਗਾ ਕਰ ਸੁਣਾ ਕਰੋ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਾਂਚ ਦਿਨ ਕਾ ਹੈ ਯੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕੇ ਵਚਨ ਹੈ ਪਾਂਚ ਦਿਨ
या कोई इस प्रकार जिस प्रकार से आज सबने मन बिरते एकाग्रचित करके सुना है, गाया है, गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, इस प्रकार सुन लेंगे गुरु मेहर करेगा हम सबके तन मन और आत्मा तीनों अरोग हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कहते हैं ना तीने ताप निवारण हारा, तीन प्रकार के ताप होते हैं, एक तन के रोग, एक मन के रोग और एक आत्मा के रोग जो जन्म जन्मांतरों से हमारी आत्मा को लगे हुए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये तीनों प्रकार के रोग मिट जाएंगे गुरु नानक की अगर नजर हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। और उसके नजर पाने का तरीका क्या है, गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए हम दो पंक्तियां पढ़ें और समाप्ति। दुख पर हर सुख घर ले जाए, दुख पर हर सुख घर ले जाए, I'm not afraid.